हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस नई वीडियो में। और सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें सिंगापुर के लिटिल इंडिया में और यहां पर दिवाली के उपलक्ष्य में बाजार लगता है एक छोटा सा। कोविड के चक्कर में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत लगाया, और मेन अट्रैक्शन जो है स्ट्रीट लाइट है। तो हम इन्हीं दो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। आगे चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सिंगापुर से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलती रहे। मैं यहाँ पर सिंगापुर में रहता हूँ और यहीं पे जॉब करता हूँ और वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको भी देखने को और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सप्लोरेशन। तो दोस्तों, इस शुभ काम की शुरुआत करते हैं मंदिर से। यहाँ पे भगवान का मंदिर और काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, और लड़ियाँ चारों तरफ और ऊपर मूर्तियाँ हैं। तो ये टाइल का मंदिर है और जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं और चलते हैं। तो दिवाली के टाइम पे हर साल यहाँ पे ये डेकोरेशन रहती है, जैसे मेरे पीछे से आप देख सकते होंगे रोड के ऊपर दोनों तरफ खंभों से ये डेकोरेशन बनी रहती है। और हर साल दिवाली के टाइम पे ये डेकोरेशन यहाँ पे रहती है, और दूर से दिखने में आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ फिजिकली बहुत अट्रैक्शन, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त लाइटिंग है। आगे भी इस रोड पर बहुत सारी लाइटिंग है लंबी कतार में, तो उसी को हम अभी और देखेंगे। और ये यहाँ पर मोर और ये रथ टाइप का बना रखा है इन्होंने, काफ़ी लाइटिंग, और लोग यहाँ पर फोटो भी खिंचाते हुए। इमारतें भी यहाँ पर सजाई गई हैं थोड़ा बहुत लाइटिंग के अपने हिसाब से लोगों ने लगा रखी हैं। ये बिल्डिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है, लाइटिंग पूरी सजा रखी है इंडिया जैसे इंडिया में होता है वैसे। तो आजकल जैसे आप देख सकते हैं रोड पे इतना भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं। मेरे को भी वैसे आना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन सोचा कि चलो देख लेता हूँ यार एक बार। कुछ मेरे को सामान लेना था इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ घर का सामान लेना था जो कि यहीं है, मसाले सब्ज़ी वगैरह, तो मैं आ गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं चकाचौंध एक बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ पे एक और मंदिर है, इसका भी हम दर्शन करेंगे। ये दिवाली का बाजार है यहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ पे आपको डेकोरेशन का सामान, फूल पत्ती लड़ियाँ सब कुछ मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है इस साल, पिछले साल काफ़ी भीड़ था। यहाँ पे फूल पत्तियाँ मालाएँ, और आगे बढ़ते हैं दिए दिए भी आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, तो घर में लगे सब कुछ। देख सकते हैं आप एक खूबसूरत सा मोर, यहाँ से लाइटनिंग और ये जो दिवाली की सजावट है शुरू हो जाती है। और ये जो मोर है यहाँ से, मतलब जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ से शुरू हो जाती है। मैंने आपको एंड से स्टार्ट दिखाया इस बार, अगर आपको स्टार्ट से एंड देखनी तो पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो रोड आगे जा रही है पूरी लाइटिंग से भरी पड़ी है, तो यही दिखाया मैंने आपको। और मार्केट जो है थोड़ा दिखाया, एक्चुअली मैं जो है पूरे ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया, आजकल मैं गया नहीं क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता ज़्यादा जगह पर, तो मैंने बाहर से ही शॉर्टकट मार के हल्की फुल्की वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी यार। ये खूबसूरत सा बोर्ड जहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और नीचे इंडियन भाषा में लिखा हुआ है। तो यहीं से ये मेन लाइटिंग शुरू हो जाती है आगे की तरफ पूरा। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतना मैं घुमा नहीं हूँ क्योंकि आजकल आपको पता सिचुएशन कैसी है, लेकिन लाइटनिंग इस साल बड़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह प्यार और खुशियाँ फैलाते रहिए ज़िंदगी में। और बस दीपावली जो है खुशी का फेस्टिवल है, लाइट का फेस्टिवल है, चारों तरफ बिखेरते रहिए खुशियाँ लाइट्स। और मिलता हूँ आपको फिर नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।